हमारी गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर क्यों? तो राजनीतिक जड़ें भी बहुत अधिक मजबूत नहीं है, एक बात ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम राजनीतिक के अलावा अगर बात करें, दूसरे हमारे पहलुओं की बात करें, तो सामाजिक रूप से और धार्मिक सांस्कृतिक रूप से मैं बात करना चाहती हूँ। सामाजिक रूप से आप सब देखेंगे कि किस तरह से आज की जो सभा थी, एक तरह से आज की जो सभा है एक ऐसी सभा जैसे गुलदस्ते में विभिन्न तरह के फूल होते हैं, अलग अलग समाजों के लोग, अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, लेकिन हमारे घरों में, हमारे आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, हमारे समाज में यही बात गायब। ये जो यहाँ पर जो गुलदस्ता हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो सामूहिकता दिखाई दे रही है, ये हमारे घर में नहीं है। एक तो यही चीज है जो बेहद कमजोर है, जिसको मजबूत किए जाने की जरूरत है, और या तो हम इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं, या फिर हम जितना संकट का समय आज जिससे हम गुजर रहे हैं, या हम उसके प्रति गंभीर नहीं है, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हम कितने आपातकालीन समय से आज गुजर रहे हैं, और अगर अपने समाज पर काम नहीं किया गया, अगर चेतना अपने अंदर डाल करके लोगों को जोड़ा नहीं गया, तो जो हमने अचीव किया है आज तक भी हमारे समाज ने, वो भी हमारे हाथ से चला जाए। दूसरी बात मैं करना चाहूंगी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से। साथियों, आप जानते हो बाबा साहब ने भी कहा है कि धर्म जो है वो राजनीति सत्ता का स्रोत किसी भी देश में, किसी आप संसार के किसी देश में देख लीजिए, हमारे देश में देख लीजिए, कहीं भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सत्ता के पीछे धर्म काम करता है, और बहुजन समाज जो हमारा है उसके पास एक नहीं बल्कि कई धर्म हैं, आज मैं ये कह सकती हूँ। चाहे हम बाबा साहब ने जो धर्मांतरण किया, बौद्ध धर्म ग्रहण किया, चाहे उसमें उनका आप प्रतिनिधित्व देख लीजिए, चाहे आप रविदास या धर्म देख लीजिए जिसकी 2010 में स्थापना हुई है, और अभी बनारस में जो सम्मेलन जो कार्यक्रम हुआ है रविदास या धर्म का, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जाकर के अपना शीश झुका गया है। तो लेकिन इसके अलावा भी आजीवक भी हैं कुछ, और इसके अलावा आप देखेंगे कि हम आदि धर्म के लोग भी हैं जो बात करते हैं कि हम सभी जातियां जो है बहुजन समाज की, वो मिलजुल करके काम करें। तो हमारे पास कहने के लिए धर्म तो है, लेकिन वो राजनीतिक पावर जो है, सत्ता जो है, उसको पाने की चाबी नहीं बन रहा, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और आज हम देखेंगे कि हमारे घर, हम लोग बेशक ये कहते हो कि हम बहुत पढ़े लिखे ये लोग हैं, ये सब नहीं मानते हैं, धार्मिक रीति रिवाजों का पालन नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चीजें नहीं करते हैं, लेकिन हमारे घरों में ये चीजें लगातार जारी हैं। तो इन धर्मों को, इन रास्तों को जो हमारे पास है, चाहे हम किसी भी पंथ या संप्रदाय को क्यों ना मान रहे हो, उसको सत्ता प्राप्त करने का मार्ग बनानी चाहिए। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहती हूँ इसमें कि हमारी जो आधी आबादी है, मतलब जो महिलाएं हैं, वो हर जगह से गायब रहती हैं। आप देखेंगे कि हम किसी भी सभा में जाएं, किसी रैली में चले जाएं, किसी बड़े समारोह में चले जाएं, लेकिन लोग अपने घर से अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, चाहे वो वर्किंग है चाहे वो बिना वर्किंग भी है, उसको साथ लेकर के नहीं आते हैं। और साथियों, ये विडंबना है कि आप ये देखें कुंभ के मेले में भी ले जाते हैं लोग, जहाँ पर हो जाते हैं ना लोग आपस में, जब फिल्मों में दिखाया जाता था, बिछड़ जाते थे जो बहन भाई होते थे या जो कपल होते थे, तो ऐसे मेलों में ले जाते हैं उनको, जहाँ पर उनकी सुरक्षा दांव पर लगी रहती है, जहाँ पर उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस लौट आएंगे अपने घर पर या नहीं लौट आएंगे, वहाँ पर ले जाने में लोगों को डर नहीं लगता है। और वो तो बड़े मेले की बात हो गई, जरूर हमारे घरों से ही लोग हर 6 महीने में किसी न किसी मेले में जाते हैं, उन मेले में जाना उनको पता नहीं किस तरह से लगता है कि सुरक्षित है, और इस तरह की रैली में आना, इस तरह की सभा में आना उनको लगता है कि सुरक्षित नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम जो है सफल नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे तो हमें ये सारे पहलुओं पर ध्यान देना होगा, और बस ज़्यादा नहीं, आज के टाइम के हिसाब से इतनी बात है।